पीछे से फोटो मारा। ले जाऊंगा। लाइट ब्लिंक कर रही है। हाँ जी मैं दिख रहा हूँ ना भाई जी। अरे सर कैसी बात करती है आप। 2 बजे मिलता हूँ सर। हाँ नमस्ते। 2 बजे मिलता हूँ। रिपोर्टिंग हो गई। 2 बजे मिलता हूँ। 2 बजे ओके सर। थैंक यू। इन लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है। वसीम जी तुम इधर आ जाओ। देव प्रभु देव तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। भालक चंदा तन बागंबर छाला है। शिष्य पे गंगा भालक चंदा तन बागंबर छाला है। अदम त्रिशु डमरु धारी गले सर्पों की माला है। देव देव प्रभु महादेव तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। बम 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 भोला बनरी बम 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 गले मुंडों की माला है। देवों के देव प्रभु महादेव तेरा अद्भुत सर। एक बार यहाँ पे सब लोग देखिए। प्रोड्यूसर बालाजी आ रहे हैं। मीडिया ले लीजिए यहीं पर आएंगे। हाँ अभी जो बाहर से ले लेते हैं ना। अच्छा तो बैकलाइट आ रही है। बस यहाँ से हो जाएगा। माला पल्ली का माला सर। सर आप साइड पे थोड़ा सा। सर सर यहाँ पे देखिए। आप सर सर आपका पहने पहने पहने। यस 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 ओके। फोटो के लिए करूँ हाथ लगा। ओके सर आई। एक मिनट पानी जी आप इधर आइए जरा। फोटो लाइट चालू करूँ फिर। लाइट लाइट चालू करो। अरे साला यहाँ तो बहुत लाइट है। चालू करो। अगेंस्ट लाइट आ रहा ना इसके लिए फेस पे लाइट पड़ेगा। तो हाँ आप देखो क्लियर आ रहा है। सर सामने पंकज जी दिख रहे हैं। पंकज जी पीछे आइए। आगे आइए। ओके आइए सर। नहीं नहीं आप हीरो हैं। हीरो जी को लेके आ रहा हूँ सर। हेलो सर। नमस्कार सर। ठीक महादेव तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। शीश पे गंगा बाल पे चंदा तन बागम पर छाला है। हाथ में त्रिशूल डमरू धारी गले सर्पों की माला है। हाँ छोड़ देना। दोनों साथ में है। हाथ में त्रिशूल डमरू धारी गले सर्पों की माला है। ये साथ में रहेगा। ठीक है प्रभु। ठीक है अंतर पे चलें। हाँ। वन टू तीन नयन दर तीन नयन धारी जय त्रिपुरारी नीलकंठ शिव मंगलकारी। एक काम करेंगे। तीन नयन धारी जयपुर धारी नीलकंठ शिव मंगलकारी। ये दो दो करेंगे। एक एक ऑर्डर में ले। महादेव कितने सुंदर शब्द हैं और हमारे साथ भी बैठे हैं स्वामी जी। हम दिलीप सेन जी को स्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये दो तरह से विद्वान है। एक तो संगीत से और एक अध्यात्म से। इनके संगीत में संगीत निर्देशन में मैं जब भी कुछ गाता हूँ तो मैं कुछ यहाँ से सीख कर ही जाता हूँ। प्रभु है। बहुत ईश्वर ने इनको गुण दिए हैं। मैं आज ये बहुत सुंदर इनकी धुन गाने वाला हूँ जो भगवान शंकर को अवश्य रिझाएगा। और भगवान शंकर शिव भोले बाबा हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जितना भी काम किया आज तक और खास करके भोले के लिए वो अद्भुत हुआ है। मगर आज का जो भजन हो रहा है खास करके अनूप जी और हमारी लाडली बहन जी सरोज जी मिश्रा जी गा रही हैं आज पहली मर्तबा। ये दोनों ग्रेट सिंगर। इन दोनों का मुझे प्यार मिला और सहयोग मिला और इनको मिला के किया। साथ में हमारे मुकेश पांडे जी हैं राकेश पांडे जी हैं। इन्हीं की बदौलत आज हम लोग दोबारा मिले हैं।
और ये एक तरीके से बहुत ही आगे चलकर ये कंपनी जो शुरू की है इन्होंने, ये आगे चल के काफी बड़े बड़े कलाकारों को देंगे, जैसे कि दो महान कलाकार मेरे सामने हैं, सरोज मिश्रा जी और अपने अनूप जी। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो देवों के देव प्रभु तुम हो महादेव, आज ये भोले के श्रृंगार के ऊपर गाना है जो हम कर रहे हैं, और मैं सरोज जी से कहूंगा कि दो शब्द बोले। प्रणाम, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैं इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भैया और इतने बड़े सिंगर, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं दो लाइन उनके साथ गाऊं, तो आज मुझे गाने का मौका मिल रहा है अनूप जी के साथ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं, और जो मुकेश पांडे जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, इन्होंने हमें मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, देवों के देव महादेव, आपने इनसे पहले को कौन कौन से और कुछ गाए हैं आपने? हाँ, मैंने साई भजन बहुत सारे गाए हैं, और कृष्ण भजन गाए हैं, गजलें गाई हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो देवों के देव महादेव जो आपने गा रहे हो अभी जी, 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 सर के साथ में जी, इतने बड़े बड़े, तो क्या अंदर से फील हो रहा है? हमें ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कुछ मिल गया, जैसे हमारी मुराद पूरी हो गई, है ना? क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि आप सोचते रहो कि आप किसी बहुत जो जो आपके भजन में आपके आराध्य देव जैसे हैं, मतलब कई बार उनके भजन गा के मुझे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, तो अगर ऐसा मौका मिले तो आप समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा मुझे आज। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे देवों के देव महादेव मैम के साथ जो चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सरोज जी ने काफ़ी काम किया हुआ है संगीत के ऊपर, और काफ़ी गुणी कलाकारों से सिखाए इन्होंने। गुलाम मुस्तफा खां साहब से आपने शागिर्दी में रही हैं उनके, और अब अनूप जी के शागिर्दगी में मैं भी हूँ और ये भी हैं, दोनों हैं। क्योंकि अनूप जी के अंदर जो, मैं ये कहना चाहिए, सम्राट तो इनको कहते हैं, मगर मैं तो कहता हूँ कि इनके आगे जितनी भी उपमाएँ लगाई जाए कम हैं, क्योंकि संगीत के ये पूरे खुद ज्ञाता हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब जब भी मैं इनके साथ काम करता हूं तो कुछ ना कुछ मैं इनसे ज्ञान लेता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो दुनिया में सीखने के बजाय सुनने से भी मिलती है, पर मैं तो इनको देख लेता हूं तो मैं गदगद हो जाता हूं। तो वो बात है, देवों के देव प्रभु तुम महादेव, ये गाना जो हो रहा है बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मैं चाहूँगा मुकेश जी इस पर थोड़ा सा ज्ञान दें। आप सभी को मेरा नमस्कार, और इस गाने की प्रेरणा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, दिलीप सेन जी और हम लोग बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, मैंने कहा महादेव जी के श्रृंगार के ऊपर एक गाना होना चाहिए, और उसी समय जो है सरोज मिश्रा जी ने बहुत सारे भजन किए हैं, तो मेरे दिमाग में एक उनकी पिक्चर आई, और जलोटा साहब तो खैर भजनों के सम्राट हैं। और ख़ासतौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो म्यूजिक कंपनी है ओम मोशन इंटरटेनमेंट 200 गानों का निर्माण कर रही है, जिसमें से 15 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, और एक साथ हम 200 गानों को, और हमारा अंदाज़ा है कि अप्रैल तक हम ये ख़त्म कर लेंगे, जिसमें भजन भी है, हिंदी गाने भी हैं, भोजपुरी भी हैं, तो एक पूरा बुके जो है कहते हैं गानों का है हमारा, वो लाने का प्रयास है वो गुलदस्ता, ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे, लोगों के घर घर तक भजन बजे, आज के गाने को भी सुन रहे हैं और आगे आने वाले गाने ऐसे हों जिनको आगे भी सुना जाए। धन्यवाद सर। देवों के देव महादेव के राइटर कौन है? किरण मिश्रा जी। और मैं चाहूँगा इस गाने के लिए दो शब्द सरोज जी भी कहें, क्योंकि जब वो गाने को याद कर रही थी तो उनको अपना अनुभव बताएं। मतलब बहुत सुंदर गाना लिखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा भाव खुद ब खुद बनते हैं, ऐसे जो सुंदर लिखे हुए गाने होते हैं उसमें भाव बड़े सुंदर बनते हैं, और बहुत ही सुंदर गाना है। और इस बीच मैंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया था कि जिस दिन नींव रखी गई थी अयोध्या की, उस दिन से निरंतर आज तक मैं भजन गाती जा रही हूँ। 890 भजन हो गए हैं मेरे, और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सराहा, बुला के मिले वो इस वजह से, तो सब बस आप लोगों जैसे लोगों का आशीर्वाद है और सबका प्यार है, तो कुछ ना कुछ ईश्वर से प्राप्ति हो रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे सम्राट महासम्राट राखी जी क्या कहना चाहेंगे देवों के देव महादेव जो सभी लोगों को सुनने वालों को नमस्कार, हर हर महादेव। और देवों के देव महादेव जो सृष्टि के जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर ये गीत हो रहा है,
और बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर कभी खुदा के अपनी आवाज़ को धरती पर नहीं पहुंचाते। बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों, कवियों और गायकों के द्वारा इस धरती पर अपनी आवाज़, अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शायद भगवान का इस धरती में किसी के अंदर अंश आता है तभी वो उनकी बात को लोगों तक सुनाता है। और इस भजन के अंदर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी प्रभु के, ईश्वर की ही आवाज़ बनकर धरती पर हैं, क्योंकि ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता लेकिन इनकी आवाज़ से ईश्वर को फील कर सकता है। तो महादेव, हम लोग का सौभाग्य है कि भोले बाबा का ये गीत जो है अनूप जलोटा जी हमारी कंपनी के लिए गा रहे हैं, और इनकी मौजूदगी हमारे लिए वाकई, जिस गाने को लेकर हम चल रहे हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनकी आवाज़ कहीं पर भी संसार में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां अनूप जलोटा जी की आवाज़ के परिचित लोग ना हों। और इस गाना बनने के बाद, इस गीत के बाद, महादेव जी की पूजा अर्चना के लिए जो लोग, महादेव जी के जो भक्त हैं इस धरती पर, वो ज़रूर से ज़रूर इस गाने को सुनेंगे और प्रभु का आशीर्वाद भी पाएंगे इसी के माध्यम से। साथ में हमारे सरोज मिश्रा जी के बारे में तो मैं क्या कहें, मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी पिक्चर पर, वैसे तो मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्में एज ए हीरो लीड की हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्म में 2 साल पहले मैं आया था वीर अर्जुन पिक्चर में। वो एक तरीके से मेरा एक डेब्यू था उसमें। वो पिक्चर सुपर हिट रही, उन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था, तो सरोज मिश्रा जी का ने वो गीत गाया, मेरे लिए बड़ी लकी रही हमारी पिक्चर के लिए। 8-9 वीक चली और उसको 2-2 मुझे डेब्यू अवार्ड मिले। और इनकी साधना, 800 से ज़्यादा इन्होंने गीत जो है गाए हैं भजन के, राम मंदिर के निर्माण जब से हो रहा है। और गुलाम मुस्तफ़ा जी का नाम जो है कौन नहीं जानता, जिनके सभी लोग शिष्य रहे हैं, उनकी शागिर्दी में इन्होंने सीखा है। और आज हमारे लिए देवों के देव महादेव में ये गीत गा रही हैं, और तो हम पूरी हम लोगों की पूरी टीम की तरफ से हम लोग में बड़ा उत्साह है कि सरोज मिश्रा जी इस गाने से और ज़्यादा अपनी आवाज़ जो है आगे लोगों तक पहुँचाएँ, और इनका और अनूप जलोटा जी का जो कॉम्बिनेशन हो पूरा हिट हो। और हमारे प्रभु जी दिलीप सेन जी जो कि भागीरथी हैं संगीत के, जिनके द्वारा नदियां बहती हैं, और बहुत सारे गीत, अनेकों अनेक गीत प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि जो लोगों की जबान पर इनके चलते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी विनम्रता बहुत बड़ा इनका धन है, और इनकी विनम्रता और इनके हौसले की वजह से ही जो हम लोग इतने 100 गानों के जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये संभव तब हो पाता है जब कोई इसके पीछे निर्माता तटस्थ लगा हुआ हो। तो भाई मुकेश पांडे जी, जिन्होंने इससे पहले भी 15 गीत की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, और उसमें गणेश भगवान, गणपति भगवान का गीत है, कृष्ण भगवान का गीत है, अंबे माता का गीत है, और अब ये जो है हमारे आज के दिन जो अनूप जलोटा जी हमारे बीच में, सरोज जी, सब लोग हैं, तो मुकेश भाई का बहुत बड़ा इसके अंदर जो है प्रयास है। और ये चाहते हैं कि नए नए टैलेंट्स को भी इसके अंदर मौका मिले। 100 से ज़्यादा गीत बनाने का हमारी कंपनी का जो कल्पना लेकर चल रहे हैं। बस आप लोग आशीर्वाद दें, सक्सेस हो। और सर, चयन कैसे किया आपने, अनूप जी का, दिलीप जी का, मैम का, कैसे चयन हुआ? ये चयन तो हम जुड़े हुए हैं भाई इनसे, ये तो हमको अक्सर ब्रेक देते रहते भैया। ऐसा है, चयन का तो ये है कि जब इन्हें, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में ये रेगुलर कई फिल्में बना रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे भी तो जोड़ के रखो। तो इन्होंने ये कंपनी का, शिव के नाम से इन्होंने कंपनी की, इसमें इन्होंने, ये ज़रूरी है कि दिलीप सैनी, इन्होंने कहा कि भाई हमें काम इतना करना है कि लोगों तक एक भक्ति की गंगा बहानी है। और अनूप जलोटा जी वो नाम है कि इन्होंने, इनका चयन की जरूरत नहीं, इन्होंने हमारा चयन कर लिया, समझ लीजिए हमारी कंपनी में इन्होंने आकर गीत गाया, आशीर्वाद दिया और मौका दिया। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं इनके सिलेक्शन पे। जानना चाहेंगे ये हिंदी में हो रहा है और भी कोई लैंग्वेज में आने वाला है? जी जी, हमारा हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी, ये 4 लैंग्वेज के अंदर जो है हम लोग गीत बनाने वाले हैं। और हिंदी के 15 गीत तैयार हो चुके हैं, गुजराती के ऑलरेडी गीत रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके हैं, और भोजपुरी और दूसरी रीजनल लैंग्वेज को भी हमको जो है इसमें लेकर चलना है। ये ओम मोशन इंटरटेनमेंट भाई मुकेश पांडे जी की एक पहल है कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा, सारी भाषाओं को लेकर ये आगे चलें। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भोले के, तो ठीक है, इतना बोलोगे तो इस गाना मतलब जो है ये कहाँ तक जा पाएगा सर आपके हिसाब से? देखिए जी,
स्काई इज द लिमिट, कोई अच्छी चीज़ बनती है तो पता थोड़ी होता है कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस मेहनत से, जिस प्यार से इसको लिखा गया है, किरण मिश्रा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, उनका लिखा हुआ है, और पंडित जी दिलीप सेन जी ने जिस तरह संगीत दिया है, मैंने अभी इसकी धुन सुनी रिकॉर्डिंग करने से पहले, बहुत ही विशेष गाना ये बन रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और सरोज जी इस गाने को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं, कोशिश है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भोले बाबा का गाना है, और आप जानते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबक यजामहे, ये सब ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, तो इसकी कोई रीच ही नहीं है ये ब्रह्मांड तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड के अंदर भी जो है ऐसी कंपन होती है जो सृष्टि को जो है जिंदा रखती है। तो हमारी यही आशा है कि भाई जो लोग गीत सुने और इसकी कंपन और इसकी जो अच्छाइयाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड में पहुँचे। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।